मुनिषि, आपने शुरू में बताया था कि जैन दर्शन विज्ञान संगत है क्योंकि दोनों ही नियमों द्वारा चलते हैं, पूरा लोक नियमों से संचालित होता है। तो ये पूछना चाहूँगा कि ये कौन से नियम हैं जैन दर्शन के जो ये पूरे लोक का संचालन करते हैं। जैन दर्शन में कई प्रिंसिपल सिद्धांत की बात है, उसमें अनेकांतवाद का सिद्धांत बहुत विशेष है, वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ नेचर, ये जैन दर्शन की एक महत्वपूर्ण धारणा है। कृपया समझाइए कि इसका क्या अभिप्राय है। बिंदल साहब, ये जो आपने प्रश्न पूछा है, दरअसल जैन दर्शन में जो द्रव्य गुण और पर्याय के रूप में रियलिटी सत की व्याख्या की गई है, सूत्र आता है सत द्रव्यम, जो द्रव्य होता है वो सत होता है, सत मतलब रियल रियलिटी। इसका तात्पर्य हुआ है कि जैन दर्शन किसी भी काल्पनिक वस्तु के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, और इसीलिए जो छह द्रव्य बताए हैं वो द्रव्य सत है, उनका अस्तित्व है, और प्रत्येक द्रव्य में गुण भी है और पर्याय भी है। तो गुण अनेक हैं, पर्याय अनेक हैं, इसलिए एक प्रश्न आता है कि गुण और पर्याय जब अनेक एक ही पदार्थ में हैं तो पदार्थ का स्वरूप क्या होगा। उसको समझाने के लिए जैन दर्शन ने एक सिद्धांत दिया जिसको कहा जाता है अनेकांतवाद, थियरी ऑफ मल्टीप्लिसिटी कह सकते हैं, इसको नॉन एब्सोल्यूटिज्म भी कहा जा सकता है। वो इस अर्थ में है कि जैन दर्शन ये कहता है कि जब गुण और पर्याय प्रत्येक पदार्थ में हैं, गुण उन्हें कहते हैं जो गुण हमेशा द्रव्य के साथ रहते हैं, और पर्याय उन्हें कहते हैं जो बदलती रहती है अवस्था, द्रव्य की अवस्था जो है वो बदलती है, द्रव्य नहीं बदलता, पर्याय के रूप में द्रव्य की अवस्था बदलती है। गुण जो है वो द्रव्य के साथ रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं, और गुण की भी पर्याय बदल सकती है। उदाहरण हम लें कि रंग जो है वर्ण, वो पुद्गल का एक गुण है, बिना वर्ण का कोई पुद्गल नहीं हो सकता। संसार में जितने पुद्गल है, यहां तक कि परमाणु जो अल्टीमेट एटम है, अल्टीमेट पार्टिकल है, वो भी रंगीन है, रंग उसका अपना स्वाभाविक गुण है। हम जो विजिबल स्पेक्ट्रम और कलर के माध्यम से और हमारे इक्विपमेंट जो हमारा देखने का यंत्र जिसको हम चक्षु दर्शन कहते हैं, आँख की हमारी जो सारी मैकेनिज्म है और ऑप्टिक नर्व के द्वारा हम उसको ग्रहण करते हैं, वो हमारा ज्ञाता का यंत्र है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है जहाँ परमाणु हैं, जहाँ ये सारे पुद्गल हैं, वहाँ अपना अपना उनका एक रंग अवश्य होता है। जो बड़े पुद्गल हैं जिसमें अनंत परमाणु मिल जाते हैं, वहाँ निश्चित रूप से 5 वर्ण होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। अभी जो हम अगर उसकी व्याख्या लाइट के साथ करते हैं, वो तो हमारा परसेप्शन कैसे होता है उसके साथ है। फॉर एग्जाम्पल जो विजिबल लाइट है वो व्हाइट लाइट, उसमें 7 रंग अर्थात फुल स्पेक्ट्रम होता है, और जब कोई भी पदार्थ को हम देखते हैं तो उस पर रिफ्लेक्ट होगा, जो सनलाइट आएगी, और उस लाइट को हमारे आंख पर पहुंचने पर उस वर्ण का, उस पदार्थ के वर्ण को हम उस रूप में देखेंगे। इसका माध्यम हुआ, इसका मतलब हुआ कि पदार्थ का अपना रंग अलग होता है, लाइट के आधार पर और हमारी विजिबिलिटी के आधार पर, या हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके आधार पर हमारे सब्जेक्ट में हमारा एक्सपीरियंस जो होगा वो रंग अलग हो जाएगा, लेकिन जो वास्तविक ऑब्जेक्टिव रंग है वो प्रत्येक पदार्थ में, उसमें भी जब वापस आपस में इंटरेक्शन होता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ इंटरेक्ट करता है, एक पदार्थ जिसमें अनंत परमाणु है वो अपने आप में परस्पर में इंटरेक्शन कर सकते हैं, एक बड़ा पदार्थ अनंत प्रदेशी स्कंद वाला पदार्थ और दूसरा अनंत प्रदेशी स्कंद वाला पदार्थ,
उनका इंटरेक्शन होता है। इन इंटरेक्शन से कारण से वर्ण गंध रस स्पर्श इनकी सबकी परियार अवस्था मोड वो बदलती रहती है। एक समय में एक पर्याय होगी वर्ण की, दूसरे समय में वो दूसरी हो सकती है, तीसरे समय में तीसरी हो सकती है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि जो द्रव्य है पदार्थ है वस्तु है वो वस्तु तो वही है लेकिन उसकी पर्याय अवस्था बदल जाती है और जो गुण उसमें है उन गुणों की पर्याय भी बदलती है। इस माने में कि एक परमाणु या एक वस्तु जो काला वर्ण वाली है तो जो उसके अंदर ब्लैकनेस है उसकी इंटेंसिटी भी एक से लेकर इंफिनिटी यूनिट तक है। तो एक एक यूनिट काला परमाणु कालांतर में अमुक समय के बाद में 10 यूनिट काला परमाणु हो सकता है, 50 यूनिट काला परमाणु हो सकता है। जैसे वर्ण की है ऐसे गंध की है, ऐसे रस की है, ऐसे स्पर्श की है। जैसे स्पर्श में हमने बताया शीत और उष्ण जिसको हम थर्मल एनर्जी के रूप में देखते हैं, तो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि एक पदार्थ है क्रमशः वो ठंडा होता है उसके परमाणु का शीत स्पर्श की यूनिट बढ़ जाती है। पहले कम ठंडा होता है जिसको हम थर्मोमीटर से नापते हैं कितनी डिग्री तक वो टेम्परेचर गया। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं अवस्था पर्याय। तो अधिकांतवाद ये कहता है कि द्रव्य तो वो ही रहता है, पुद्गल द्रव्य है परमाणु द्रव्य है वो तो वो का है, उसके अंदर गुण है वर्ण गंध रस और स्पर्श, इनकी जो यूनिट है इनकी जो मात्रा इंटेंसिटी है उसमें चेंज होगा, वर्णों में भी चेंज होगा। एक सफेद परमाणु कालांतर में काला हो सकता है, काला परमाणु कालांतर में सफेद हो सकता है। ये जो चेंज है वो चेंज द्रव्य के अंदर निरंतर चलता रहता है। अनेकांतवाद कहता है कि द्रव्य को जब हम द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं द्रव्य के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमें लगता है कि द्रव्य तो वही है, जैसे था वैसा है वैसा रहेगा। लेकिन जब हम पर्याय को देखते हैं उसकी अवस्था को देखते हैं जो द्रव्य की भी बदलती है गुण की भी बदलती है तो हमें लगता है कि ये तो बदल गया सारा। इसीलिए अनेकांतवाद कहता है कि द्रव्य की दृष्टि से प्रत्येक द्रव्य शाश्वत है नित्य है नो चेंज, जैसा है वैसा का वैसा है। पर्याय की दृष्टि से वो बदलता रहता है प्रतिक्षण एवरी मोमेंट प्रति समय, जो समय का एक छोटे से छोटा अंश है जो यूनिट टाइम है जिसको हमने कंपेयर किया प्लैंक टाइम से, उस उतनी काल में भी उसकी पर्याय बदल जाएगी और प्रति क्षण में प्रति समय में बदलती रहेगी। इस बात को अनेकांत से ही हम समझ सकते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि द्रव्य बदलता ही नहीं है जैसा है वैसा ही रहता है उसको जैन दर्शन कहता है एकांतवाद, लेकिन उसको भी वो स्वीकार करता है। वो कहता है आप जो कह रहे हैं वो पर्सपेक्टिव अलग है, वो सब्सटेंशियलिटी के पर्सपेक्टिव से है। कोई कहते हैं कि जीव जो है वो क्या है, नित्य है कि अनित्य है, परमानेंट है कि टेम्पररी है। तो द्रव्य की दृष्टि से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सब्सटेंशियलिटी इन द पर्सपेक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस द्रव्य वो का वो है, जीव वो का वो है, नो चेंज। तो इसके लिए उसको कहते हैं परमानेंट, हमेशा के लिए वो शाश्वत है और इसीलिए द्रव्य को शाश्वत माना जाता है, पदार्थ को शाश्वत माना जाता है। और जब हम गुण का गुण उसकी पर्याय उसकी अवस्था की चर्चा करते हैं उसके पर्सपेक्टिव से हम उसका वर्णन करते हैं या उसको जानते हैं तो वो चेंज हो जाता है। उदाहरण में एक बच्चा ने जन्म लिया तो वो बच्चा पहले बालक है फिर युवा होता है फिर वृद्ध होता है, बच्चा तो वही वो है आदमी तो वही वो है। तो हम पूरी लाइफ में एक आइडेंटिफाई करते हैं एक व्यक्ति को वो शाश्वत है। जैसे आप नरेंद्र भंडारी हैं, आप जब जन्मे थे तब नरेंद्र जी थे, भंडारी आपकी कास्ट, तो नरेंद्र भंडारी पहले क्षण से जन्म के आप नरेंद्र भंडारी थे, आप बच्चे बचपन में भी नरेंद्र भंडारी थे, आप युवा अवस्था में नरेंद्र भंडारी और आगे आप वृद्ध अवस्था में भी नरेंद्र भंडारी। तो नरेंद्र भंडारी
के रूप में अगर आपको कोई पूछे कि ये शाश्वत है कि अशाश्वत, तो हम कहेंगे शाश्वत है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइफ, अपनी इस लाइफ की अपेक्षा में कि नरेंद्र भंडारी जन्मे, बालक भी नरेंद्र भंडारी, युवा भी नरेंद्र भंडारी और वृद्ध भी नरेंद्र भंडारी, लेकिन पर्याय बदल गई। बालक के रूप में नरेंद्र भंडारी की पर्याय एक थी, छोटा बालक, युवा के रूप में विकास में अलग थी, फिर वृद्ध के रूप में अलग हो जाएगी, यू करके वही नरेंद्र भंडारी अलग अलग रूपों में हमारे सामने आएगा। इसका मतलब नरेंद्र भंडारी तो वही है, उसकी अवस्था बदल गई। ये एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल परमाणु पर भी लागू होता है। एक परमाणु जो परमाणु है अपने आप में, वो का वही है, वो का वो है, था और रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी नया पैदा नहीं होगा, जैसा है वैसा। तो बदलेगा क्या? परमाणु के गुण बदलेंगे, परमाणु की व्यवस्था अवस्था बदलेगी, पर्याय बदलेगी। वो परमाणु कभी स्वतंत्र परमाणु फ्री पार्टिकल के रूप में होगा, कभी किसी एक बड़े कंपाउंड का, एक बड़े पदार्थ का अंश के रूप में उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। तो ये परमाणु की पर्याय बदल जाएगी। इसी को द्रव्य गुण और पर्याय के आधार पर अनेकांतवाद पूरे विश्व की व्याख्या करता है। तो आपने जैसे कहा कि नियम क्या, नियम यही है कि जो गुण या जो पर्याय पदार्थ में है उसमें परिवर्तन हो सकता है, और जो द्रव्य है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो उसका मूल अस्तित्व है, वो वैसा का वैसा रहेगा। तो जैसे नित्य अनित्य की हमने व्याख्या की, हमने देखा कि एक पदार्थ नित्य भी है, अनित्य भी है, परमानेंट भी है, इटर्नल भी है, और ट्रांजिटरी भी है, चेंजिंग भी है। तो इसको एक वर्ड कॉइन किया गया है कि परसिस्टेंस थ्रू चेंज, परसिस्टेंस द्रव्यत्व का, द्रव्यत्व वो कहा, जीव 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 का जीवत्व हमेशा बना रहेगा, पुद्गल का पुद्गलत्व हमेशा बना रहेगा। तो वो है परसिस्टेंस और परमानेंस, और चेंज में हमें कि नई एक चीज उत्पन्न होगी, नई अवस्था और पुरानी अवस्था समाप्त होगी। इसीलिए सत्य या रियलिटी की परिभाषा जो की गई है अनेकांतवाद में वो यही है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। सत्य क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी वो है जो उत्पन्न होती है, जो व्यय होती है, नष्ट होती है, और जो परमानेंट रहती है। इसी को हम सत्य रियलिटी कहते हैं। और इसके जो पर्याय के जो नियम है, पुद्गल के जो नियम है, जीव के परिवर्तन के जो नियम है, वो सारे नियम उस पदार्थ की सारी अवस्थाओं को हमें बताते हैं कि कैसे क्या होगा। जैसे पुद्गल के बारे में हम देखते हैं कि भाई आइस, वाटर और स्टीम, तीन रूप उसके बन गए, है तो एक ही पदार्थ, रूप तीन बन गए, द्रव्य एक ही है, पानी, पानी को हम पानी कहते हैं, जब आइस की अवस्था में हो तो बर्फ कह देते हैं, और जब स्टीम की अवस्था में तो भाप कह देते हैं। अल्टीमेटली पदार्थ वो का वो ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसी प्रकार से समस्त पदार्थ जितने संसार में हैं, जितने परमाणु हैं, जितने परमाणु से बने हुए एग्रीगेट स्कंद है जिसको स्कंद कहा जाता है, और जितने जीव हैं, और जीव के साथ जो कर्म है, इनके अंदर अल्टीमेटली इंटरेक्शन होता है, आपस के अंदर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो सृष्टि बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन जो मूल तत्व है, जीव में जीवत्व है, पुद्गल में पुद्गलत्व है, आकाश में आकाशत्व है, वो अपना अपना वो इंटैक्ट रहता है, उसमें कोई